तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन आलू शोरबे की रेसिपी। बहुत ही कम मेहनत, बहुत ही झटपट बन तैयार होता है, बहुत ही खुशबूदार बन के तैयार होता है, बिल्कुल घर के सामानों से। चलिए देख लेते हैं हमने इसको कैसे बनाया। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आप वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको बना के तैयार कर लिया है, चलिए देख लेते हैं। चिकन आलू शोरबा बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है, इसमें हमने एक कप तेल डाल दिया है। यहाँ पे हमने इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। आप इसको मस्टर्ड ऑयल में बनाइए तो ये बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको रिफाइंड वगैरह में या फिर जिस तेल में आप बना देते हैं उस तेल में बना सकते हैं। तेल को आपको बहुत अच्छे से गर्म कर लेना, तेल हमारा अच्छे से गर्म जाएगा। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज ली, जिसको हमने इस तरह से स्लाइसेज में कट कर लिया। इसको डाल देना है, डाल के इसको गोल्डन फ्राई होने तक के हम इसको फ्राई कर लेंगे। इधर हमें फ्लेम को हाई रखा था, हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से जो है प्याज को फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं अब इसमें से हमें जो है तेल को हटाते हुए प्याज को जो है सभी इसमें से हमें निकाल लेना है। निकाल के आप एक बर्तन में फैला दीजिए, प्याज हमारी अच्छे से ठंडी हो जाए। इधर हमने इसमें से प्याज निकाल लिया और प्याज को हमने इस तरह से फैला दिया ताकि ये ठंडी हो जाए। ठंडी होकर हमारी प्याज जो है वो अच्छे से क्रंची हो जाएगी। अब इसी के साथ ही इसी तेल में यहाँ पे हमने 2 तेज़पत्ते डाल दिए हैं और कुछ खड़े गर्म मसाले, इसमें जावित्री, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी है। इसको डाल देना है, मसाला जो है हमारा सब तेल में अच्छे से तड़क जाए, इसका फ्लेवर जो है तेल में आ जाए। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो रखा है, बहुत हाई नहीं रखा है। फिर तो यहाँ पे हमें चिकन को डाल देना है। यहाँ पे हमने 500 ग्राम चिकन लिया, जिसे हमने अच्छे से धो लिया था 3-4 पानी से, उसके बाद इसको ड्राई कर लिया था। अब इसको हमें इस तरह से कलर वगैरह चुन नहीं आता है, इसको हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इधर हमने फ्लेम हाई कर लिया था, हाई फ्लेम पर हमने 1 से 1.5 मिनट तक की चिकन को अच्छे से भून लिया। अब यहाँ पे 1.5 टीस्पून इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जिससे कलर वगैरह हमारा एकदम चेंज हो गया था। अब हम चिकन को जो है अदरक लहसुन में भी इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आप जितनी अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे उतनी ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। अदरक लहसुन के साथ इसको आप अच्छे से भून लेंगे तो जिसमें एक महक रहती है चिकन में, वो जो है ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छे से हमारा चिकन खुशबूदार बन के तैयार होता है। इधर हमारा चिकन बहुत अच्छे अदरक लहसुन में भून चुका है। अब स्टेज पे यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको हमने इस तरह से बड़े बड़े जो है चॉप कर लिया। इसको हमें इसमें डाल देना है, डाल के इसको भी आलू के साथ जो चिकन के साथ जो है उसको भी 1 मिनट तक के हाई फ्लेम पे अच्छे से जो है फ्राई कर लेंगे। इधर हमने आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लिया 1 मिनट तक। आप देख सकते हैं आलू में एक अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया। इसी चीज़ से हम यहाँ पर जो है कुछ ड्राई मसाला डाल देंगे, जिसमें यहाँ पे 1 टीस्पून हम नमक डाल देंगे। यहाँ पे आप आलू क्वालिटी अपने आप से बढ़ा या फिर घटा सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसमें कम कर दीजिए, और ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप इसमें और डाल सकते हैं। या 2 टीस्पून इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 टीस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पे हमने मीडियम टू लो कर दिया है। लो फ्लेम पे सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। इधर जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, यहाँ पे हमारी प्याज जो है वो अच्छे से क्रंची हो चुकी है एकदम, तो इसको हमें एक ग्राइंडर जार में डाल देना है। इसी के साथ ही यहाँ पे हम 4 टेबल स्पून इसमें हम दही डाल देंगे। पानी वगैरह में बिल्कुल भी डालें, दही के साथ ही इसका हम फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। दही यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं लीजिएगा, जो रेगुलर यूज़ करते हैं उसी दही को लेना है, इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेना है। इधर हमारा मसाला भी बहुत अच्छे से भून चुका है, बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। आप देख सकते हैं मसाले में से तेल वगैरह एकदम छूट चुका है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे 1 टीस्पून जो है हम इसमें कोरमा मसाला डाल देंगे, या फिर जो है हम यहाँ पे जावित्री, जायफल और लौंग इलायची का मसाला जो खुशबूदार पीस के आप उसको भी डाल सकते हैं अगर आपके पास कोरमा मसाला नहीं है तो। अब डाल के इसको भी हम जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। इधर फ्लेम को यहाँ पर हम मीडियम टू लो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना, हाई फ्लेम पर इसको भी हमें अच्छे से भून लेना है। इधर हमने 1 मिनट तक इसको भी अच्छे से भून लिया। अब यहाँ पे जो है हमें दही और प्याज का जो पेस्ट बना के रखा था उसको भी हमें डाल देना है। डाल के अच्छे से भून लीजिए, जब तक जो है इसमें से तेल वगैरह नहीं छूट जाता है तब तक हम इसको चलाते हुए अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। जितने अच्छे से आप इसको भूनेंगे उतनी मज़े का ये बन के तैयार होता है। इधर हमने प्याज वगैरह को भी अच्छे से भून लिया है, देख सकते हैं तेल वगैरह हमारा बहुत अच्छे से छूट गया है, हमारा चिकन वगैरह बहुत ही अच्छे से भून गया है, आलू आलू से बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे इस डिश में हम इसमें 1/2 कप के आसपास पानी डाल देंगे, जितना आपको शोरबा लगाना है आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हैं। डाल के इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है।
इधर हमने इसमें एक कप पूरा पानी डाल दिया है, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी टेस्ट पे इसमें नमक मिर्च वगैरह भी चख सकते हैं, अगर कम है तो आप इसको डाल दीजिए। यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे और कवर करके इसको जो है एक प्रेशर आने तक के पकाएंगे, क्योंकि चिकन और आलू दोनों ही बहुत जल्दी गल जाता है। बस यहाँ पे एक प्रेशर आने तक पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे। जब इसका प्रेशर खुद से निकलेगा तब इसको खोलेंगे। इधर का हमारे कुकर में सीटी लग गई थी, इसका प्रेशर खुद से निकल चुका है। चलिए देखते हैं हमारे चिकन का क्या हाल है। आप देख सकते हैं बहुत ही खुशबूदार चिकन बनके तैयार हुआ है, देखने में कितना मजे के लग रहा है और नहीं ये खाने में टेस्टी होगा। इसी के साथ यहाँ पे हम कुछ हरी मिर्चें इस तरह से जो है आप बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा और कुछ धनिया के पत्ते डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं देखने में कितने मजे के लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। इधर हमारा चिकन आलू शोरबा एकदम तैयार है। आप इसको गर्मा गर्म चपाती रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही मजे का लगता है। आप देख सकते हैं देखने में जितने मजे का लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। एक बार आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।